जुलाई में फिर महंगाई भत्ते के ऐलान का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी है। रेलवे की एक सोसाइटी ने वित्त मंत्री को 8वां वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि अब समय आ गया है कि सरकार कर्मचारियों के हितों को देखते हुए 8वां वेतन आयोग गठित करे। प्रस्ताव में भत्ता अगले साल 50% के पार होने की बात कही गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे की सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 8वां वेतन आयोग गठित करने की अपील की है। सोसाइटी ने कहा है कि 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता बढ़कर 50% को पार हो सकता है। इससे पहले बने तीनों केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि भविष्य में वेतन का रिविजन तभी हो जाना चाहिए जब महंगाई भत्ता या महंगाई राहत बढ़कर मूल वेतन का 50% से ज्यादा हो जाए। सोसाइटी ने आयोग की इसी सिफारिश का ज्ञापन 30 मई 2023 को वित्त मंत्री के पास भेजा है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आखिर बार मार्च में बढ़ाया गया था, जो 1 जनवरी 2023 से लागू है। इस बढ़ोतरी के बाद प्रभावी डीए 42% हो गया है। अनुमान है कि जुलाई में सरकार फिर डीए में 4% की बढ़ोतरी करेगी और महंगाई भत्ता बढ़कर मूल वेतन का 46% पहुंच जाएगा। फिर अगले साल जनवरी 2024 में एक बार फिर डीए 4% बढ़ते ही मूल वेतन के 50% के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार इसके बाद सैलरी की समीक्षा करने और नया आयोग बनाने का समय आ गया है। रेलवे की सोसाइटी ने वित्त मंत्री को दिए ज्ञापन में कहा है कि महंगाई के असर को समाप्त करने के लिए सैलरी का रिवीजन किया जाना जरूरी है। जनवरी 2024 से महंगाई मूल वेतन का 50% पहुंच जाएगा और फिर इसके सापेक्ष सैलरी की समीक्षा किया जाना जरूरी है। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए सोनी ज्वेलर्स। आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारे। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। जुलाई में फिर महंगाई भत्ते के ऐलान का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी है। रेलवे की एक सोसाइटी ने वित्त मंत्री को 8वां वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि अब समय आ गया है कि सरकार कर्मचारियों के हितों को देखते हुए 8वां वेतन आयोग गठित करे। प्रस्ताव में भत्ता अगले साल 50% के पार होने की बात कही गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे की सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 8वां वेतन आयोग गठित करने की अपील की है। सोसाइटी ने कहा है कि 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता बढ़कर 50% को पार हो सकता है। इससे पहले बने तीनों केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि भविष्य में वेतन का रिवीजन तभी हो जाना चाहिए जब महंगाई भत्ता या महंगाई राहत बढ़कर मूल वेतन का 50% से ज्यादा हो जाए। सोसाइटी ने आयोग की इसी सिफारिश का ज्ञापन 30 मई 2023 को वित्त मंत्री के पास भेजा है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आखिर बार मार्च में बढ़ाया गया था, जो 1 जनवरी 2023 से लागू है। इस बढ़ोतरी के बाद प्रभावी डीए 42% हो गया है। अनुमान है कि जुलाई में सरकार फिर डीए में 4% की बढ़ोतरी करेगी और महंगाई भत्ता बढ़कर मूल वेतन का 46% पहुंच जाएगा। फिर अगले साल जनवरी 2024 में एक बार फिर डीए 4% बढ़ते ही मूल वेतन के 50% के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार इसके बाद सैलरी की समीक्षा करने और नया आयोग बनाने का समय आ गया है। रेलवे की सोसाइटी ने वित्त मंत्री को दिए ज्ञापन में कहा है कि महंगाई के असर को समाप्त करने के लिए सैलरी का रिवीजन किया जाना जरूरी है। जनवरी 2024 से महंगाई मूल वेतन का 50% पहुंच जाएगा और फिर इसके सापेक्ष सैलरी की समीक्षा किया जाना जरूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत
सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।